एक बार तुम्हें छोड़ के आज तक पछता रहा, अब दोबारा छोड़ के जिंदगी भर के लिए पछताना नहीं चाहता। ये मुमकिन नहीं है। प्लीज यार, प्लीज मान, प्लीज लौट आओ मेरी जिंदगी में, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। वैसे भी वो कह रही थी। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर लेके जाइए उन्हें साथ। बल्कि मैं तो यही चाहता था कि आप अपनी माँ को साथ में लेके जाएं। क्या हुआ भूमि? मुझे लगा तुम किचन में होगी, मैं बस आई रही थी काम खत्म करके। मेरा कुछ मन नहीं है। अरे आज होली का दिन है, कितने सारे मेहमान आने वाले हैं, तुम्हारी दोस्त सीमा और उसके बच्चे, कितना कुछ बनाना है ना, गुजिया पचौड़ियां और वो तुम्हारे फेवरेट दही बड़े, सब कुछ मिलकर बनाते हैं। कुछ करने का मन नहीं है, बच्चे घर में नहीं है, प्रतिष्ठा को होली खेलने का शौक नहीं है, और सौम्य उन्हें तो कोई त्योहार याद ही नहीं रहता। अच्छा, मेरे भैया को होली नहीं याद होगी, वो इतने भी भुलक्कड़ नहीं है, समझी, उन्हें होली अच्छे से याद होगी, तुम देख लेना। तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ उन्हें। अच्छा ये बात, लगी सर? हाँ लगी सर, बताओ क्या करना होगा। तुम्हें आज किचन का सारा काम करना होगा। वो तो मैं वैसे ही कर दूंगी, शर्त लगाने की क्या जरूरत है। अब ये कहाँ चले गए? चलो फटाफट चाय नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है, आई एम गेटिंग लेट। ऑफिस के चक्कर में दिन तारीख सब भूल जा रहे हैं आप। क्यों, मैं क्या भूल गया? आ आ आ आ, मुबारक हो। किस बात के लिए? बर्थडे ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे भगवान। ओके ओके ओके, हाँ वेडिंग एनिवर्सरी राइट, विश यू वेरी 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 हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। स्वामी आपको मेरा बर्थडे याद नहीं है, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है, क्या याद है इन्हें? तुम भूमिका, तुम्हारे सिवा याद रखने के लिए मेरी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। इतना सारा रोमांस याद है पर इतनी सी बात याद नहीं है कि आज होली है, गुलाल लगा के अपनी वाइफ को विश कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा, होली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको याद है तो मैंने पूछा था, बताया क्यों नहीं? ओहो, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हें सरप्राइज कैसे देता? अच्छा हमसे चालाकी कर रहे हैं, याद था फिर भी कहाँ जा रहे हैं? भाई भूमि, बात तो यह है कि एक्चुअली तो मैंने ये सोचा था कि पूरा दिन कहीं जाऊंगा नहीं, पूरा दिन तुम लोगों के साथ बिताऊंगा, मगर एक फोन आ गया, अर्जेंट मीटिंग आ गई, तो जाना पड़ रहा है। पता है आपको, आपकी वजह से मैं आरती से शर्त हार गई। कैसी शर्त? उसने मुझसे शर्त लगाई थी कि आपको होली का दिन याद रहेगा, और मैंने कहा था नहीं, हार गई मैं शर्त। अब तो मानती हो ना कि भाई बहन का रिश्ता कितना खास होता है। रहने दीजिए, पता है मुझे, अच्छे से जानती हूँ ये आप दोनों की साजिश है। सुबह सुबह आके उसने आपको बता दिया होगा आज होली है, आप दोनों मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मतलब सौ में आपको याद था कि आज होली है? कमाल कर दिया आपने तो। हाँ भाई, कभी कभी मैं भी कमाल कर लेता हूँ। अब ये बताओ कि आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करना है? क्या सेलिब्रेशन, आप तो ऑफिस जा रहे हैं। ओहो मैडम, मैं सिर्फ एक घंटे की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मानो ये गया और ये आया। ठीक है, अपनी प्लानिंग बता दीजिए, हमें तो सेलिब्रेट करना है। नहीं नहीं भूमि, इन सब बातों में आरती बड़ी एक्सपर्ट है। आरती तुम डिसाइड करें ना कि आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करना है। ठीक है, आज भूमिका मुझसे शर्त आ रही है तो पहले उससे वसूल लो। हाँ भाई, जीती हुई शर्त का हिसाब तो फौरन कर लेना चाहिए। एक काम करो, तुम दोनों हिसाब खत्म करो, मैं तैयार होके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाय। एक मिनट स्वामी, स्वामी स्वामी स्वामी। अरे अरे अरे, होली। अरे भूमिका, ये क्या कर दिया? मैंने कहा ना मुझे ऑफिस जाना है। क्या कर दिया? मुझे पता है आपको ऑफिस जाना है, आज होली है, हैप्पी होली। अरे ऑल राइट, अब खुश? हाँ खुश। परमिशन है ऑफिस जाने की? सिर्फ एक घंटे के लिए, जल्दी से जाकर आइए, होली खेलेंगे फिर। ऑल राइट। भूमि,
हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू टू। आरती मैं बहुत खुश हूँ आज। जानती हूँ, तभी तो तुम्हारे गाल ना गुलाल से ज्यादा लाल लग रहे हैं। पता है मैंने कभी सोचा नहीं था सौ में मुझे इस तरह से सरप्राइज देंगे। भूमि, मैंने कल भगवान से यही प्रार्थना की कि इस होलिका दहन में तुम्हारे सारे दुख सारी तकलीफें दहन हो जाएं। थैंक यू सो मच। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा कहाँ हो तुम? हैप्पी होली। बहुत बहुत मुबारक। मुझे पता था कि तुम अकेली हो इसलिए त्योहार मनाने की आदत तो होगी नहीं। त्योहार तो खुशियों का दूसरा नाम है और खुशियां अकेले नहीं मनाते, इसलिए खुशियां और त्योहार का तो मुझे पता ही नहीं चलता। करिश्मा तुम अकेली कहां हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आज दिल खोल कर होली खेलेंगे और अपनी जिंदगी को अपनी खुशियों को होली के रंग में रंग देंगे। नहीं आसमान, मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही रंग है, काला और सफेद। दोनों ही रंग दुख की निशानी है। करिश्मा तुम्हें पता है जब भी कोई नया रंग बनाया जाता है तो इन दोनों रंगों को मिलाए बिना वो रंग बनाया नहीं जा सकता। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये दोनों रंग की वैल्यू नहीं? ये दोनों रंग दुख की निशानी कैसे हो सकते हैं? ये तो सोच पर निर्भर करता है ना करिश्मा। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि सब कुछ सोचने पर निर्भर करता है, पर तुम हो जो खुद को दुख के हवाले करके बैठी हो। किसके लिए खुशियां मनाऊं? अरे यार आज होली है, होली के लिए मना मत करो। नहीं आसमान, देखो करिश्मा मैं भी कभी होली नहीं खेलता, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये त्योहार मैं तुम्हारे साथ मनाऊं, तो प्लीज मना मत करना। हैप्पी होली करिश्मा। नहीं आसमान, देखो गुलाल मत लगा। हैप्पी होली, होली है करिश्मा। आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज तो मैं तुम्हें गुलाल लगा के रहूंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। ना 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 ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। होली तो मैं तुम्हारे साथ खेल के रहूंगा। ना 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 ना, कोई ना करिश्मा, आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हें मेरी कसम है तुम गुलाल नहीं लगाओगे। नाराज हो गए आसमान? मैं प्रॉमिस करती हूँ अगले साल हम होली साथ में मनाएंगे। क्यों? इस साल क्यों नहीं करिश्मा? आसमान कभी कभी क्यों का जवाब नहीं होता है। मैं वादा करती हूँ अगले साल होली मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। अब तो हंस दो। चलो मुस्कुराई दो। विश्वास मुझे ये लग रहा है कि मैंने शायद मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये धोखा खाया है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। जो होना होता है वही होकर रहता है। मिस्टर श्रीवास्तव, इंसान ओवर कॉन्फिडेंट तभी होता है जब उसे दुनिया भर का एक्सपीरियंस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके तजुर्बे ने नहीं बल्कि आपकी किस्मत ने धोखा दिया। वही धोखा भले ही किसी ने भी दिया हो, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस हो, एक्सपीरियंस हो या फिर किस्मत, लेकिन भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। मिस्टर श्रीवास्तव, जिस तरह से इंसान की जिंदगी में खुशकिस्मती दरवाजा खटखटाती है, उसी तरह से बदकिस्मती भी दरवाजा खटखटाती है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसके लिए दरवाजा समय से पहले खोलते हैं
और किसके लिए बोलते ही नहीं। या विश्वास मुझे भी लगता है कि मुझसे यही गलती हो गई। मैंने बहुत सारे फाइनेंसर से एक साथ फाइनेंस उठा लिया, लेकिन वेल जो हो गया उसके लिए आंसू बहाने से क्या फायदा। अब तो इस प्रॉब्लम का रास्ता ढूंढने में ही भलाई है। सही कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूं। ये नुकसान कैसे पूरा किया जाए? विश्वास तुम चिंता मत करो, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। कैसा रास्ता? मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सपर्ट से बात की और एक्सपर्ट का ये मानना है, ये कहना है कि कोई नई कंपनी अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट पे हाथ डालती है तो वो अपना हाथ चला लेगी, और ये नई कंपनी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगी। और अगर अगर ये बात उस कंपनी के गले उतार दी गई तो प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। विश्वास क्या सोच रहे हो तुम? सर मेरा ये मानना है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। विश्वास मिलकर देखते हैं कौन कमजोर है और कौन चतुर। ठीक है, तो आज आजमा लेते हैं। वैसे भी हमें 12 बजे जाना है, ये के इंटरप्राइज है। प्रतिष्ठा, तुम यहां? तुम्हें तो मैंने ऑफिस में काम बताया था ना, हो गए सारे काम? क्यों? बस मन नहीं लग रहा था ऑफिस में। तुम ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो? बस तुमसे मिलने का दिल किया, आ गया। निशांत तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हूं। तुम्हें जरा भी अंदाजा आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? आज होली है। और मैं होली कभी नहीं खेलती। निशांत देखो, मुझे कलर से एलर्जी है। तुम आज जो कुछ भी बोल, लेकिन मैं तुम्हें आज कलर लगाऊंगा। मैं आई एम वार्निंग यू। प्रतिष्ठा तुम मुझे दो सजा देना चाहती हो दे देना, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। नहीं निशांत, मैं कह रही हूँ मुझे कलर मत लगाना। मुझे तो लगाना है। हैप्पी होली। ठीक है, मैं भी लगा देती हूँ। अरे हैप्पी होली। कलर तो लगा दिया है, गाना भी ना। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। आइए सर, आइए। ये है केके इंटरप्राइजेज के बॉस का केबिन। आइए बैठिए, बैठिए। वेलकम टू KK Enterprises, मिस्टर विश्वास, कैसे हैं आप? बस ये समझिए कि आपके राज में जी रहे हैं। मुझे देखकर आप चौंक गए हो। आपने कभी बताया है? अच्छा आप विश्वास जी को पहले से जानती हैं, और आप हैं सौम्य जी, सौम्य श्रीवास्तव। सौम्य जी ये हैं KK Enterprises की मालकिन करिश्मा खन्ना। हेलो सर। हेलो, विश्वास मुझे तो ये लगा था कि KK एंटरप्राइजेस जितनी बड़ी कंपनी का मालिक कोई बहुत ही तजुर्बेकार इंसान होगा, अगर ये तो अभी टेंडर मैंने हासिल कर लिया, क्या ये मेरे तजुर्बे और चालाकी का सबूत नहीं है? देखिए क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा चलाकी, ज्यादा तजुर्बा इंसान को बर्बाद कर देता है, इसीलिए जरा संभल कर बिजनेस करना। बर्बाद होने का डर उसको होता है जो आबाद होते, और हमारी कहानी की शुरुआत तो बर्बादी से ही हुई। पता नहीं अंदर से आप बहुत दुखी लग रही हैं। नहीं मतलब आपके हर शब्द में एक आग है, एक जलन है।
ज्वालामुखी आग ही उगलता है। मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव, और इस ऑफिस में वही आते हैं जो आग से खेलना जानते हैं, वरना जल जाने का डर होता है। रानी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे हर एक शब्द के पीछे एक और शब्द छुपा हुआ है? मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव, जो शब्द इंसान समझता है वही पढ़ता है। हाँ तो मिस करिश्मा खन्ना। हाँ मिस करिश्मा खन्ना, ये टेंडर हासिल करना ही आपकी हार है या जीत है ये तो तय हो ही जाएगा, लेकिन आपको जिस दिन ये बात का एहसास हो जाए कि ये टेंडर हासिल करके आपने बहुत बड़े नुकसान का सौदा किया है, मुझे जरूर याद कीजिएगा। ये रहा मेरा कार्ड। ब्रज बिहारी, वैसे मेरे लिए आपका चेहरा ही विजिटिंग कार्ड है। What? I mean to say that कि आप इतने मशहूर बिजनेसमैन हैं, आपको कौन नहीं जानता है? आपको देख देख कर मैंने बिजनेस की टेक्निक सीखी है। लगता है आप लोगों को ऑब्जर्व कुछ ज्यादा ही करती हैं। ऑब्जर्वेशन ही बिजनेस की पहली सीढ़ी है। विश्वास, मुझे लगता है यहाँ और ज्यादा रुकना ये हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। लेट्स मूव। यही वेस्ट ऑफ टाइम आने वाले समय में आपके लिए यूजफुल टाइम बनेगा। कल होलिका दहन था और आज होली है। होली बहुत बहुत मुबारक। आज मैंने सौम्य श्रीवास्तव के चेहरे पर हार की लकीरें देखी। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है पापा। मैंने उसे टेंडर छीन लिया है। हाँ अभी तो ये शुरुआत है, वो तो अपनी पहली हार से डर गया है। पापा अभी उसे और हारना बाकी है। उसकी दौलत, इज्जत, शौहरत सब कुछ हार जाएगा। यहां तक कि उसकी नींद, चैन और सुकून, तब उसे तसल्ली देने के लिए उसके पास कोई अपना नहीं होगा जो उसके आंसू पोंछ सके, जिसके कंधे पे सर रख के वो रो सके। मैं तब तक उसे तड़पाऊंगी जब तक वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर देता। हाय करिश्मा। हेलो विश्वास, कैसे हैं आप? जिसके आप जैसे दोस्त हो उसे भला क्या हो सकता है? सच कह रहे हैं या तंज कर रहे हैं? तंज क्या करूंगा मैं, जो बाजी हार जाता है उसे तंज करने का अधिकार नहीं हो। वैसे एक बात बताऊं, इतने दिनों से आपसे मिल रही हूं, आपको कभी इस मूड में नहीं देखा। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है करिश्मा। झूठ, आप झूठ कह रहे हैं। आपके चेहरे पे कई सारे सवाल तांडव कर रहे हैं।
जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। Am I right, Mr. विश्वास? Actually, वो आप संकोच मत कीजिए, वरना आप जो कहने या पूछने आए हैं वो बात आपके दिल में ही रह जाएगी। दरअसल मैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए आया। कमाल की एक्ट्रेस हैं आप, बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करती हैं आप। ओह थैंक यू। मुझसे मिलती रही, धीरे धीरे टेंडर की सारी इंफॉर्मेशन लेती रही और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया, बड़े आराम से अपना खेल खेल गई। जिसे बाजी जीतने का जुनून होता है ना, वो खेल में हर पैतरे आजमा लेता है और ये हर बाजीगर का अधिकार होता है, और जो ऐसा नहीं करते वो हार जाते हैं। सौम्य श्रीवास्तव हार गया। सिर्फ मिस्टर श्रीवास्तव नहीं हारा, मैं भी हारा। करोड़ों का टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। किसी की हार किसी की जीत, किसी का नाम जिंदगी है। मेरी जीत में तुम लोग का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों का? तुम लोग हारे तभी तो मैं जीती हूँ। ये धोखा है करिश्मा, तुम्हें मैं अपना दोस्त समझकर टेंडर के बारे में बताता रहा। नहीं, तुमने मुझे टेंडर का अमाउंट कभी नहीं बताया, ये मैंने पता किया है, ये मेरी होशियारी है। मैं अपनी होशियारी की वजह से जीती हूँ ये टेंडर। तुम बिजनेस नहीं कुछ और कर रही हो, राइट? बिजनेस ही कर रही हूँ मिस्टर विश्वास, दरअसल मैं एक एक्सचेंज ऑफर लेकर आई हूँ। दुख दो सुख लो, गम बांट के खुशियां बटोरने आई। अब इस सौदे में जो लगाना पड़ेगा मैं लगाऊंगी और हर बार जीतूंगी, क्योंकि हारने के लिए अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम नहीं समझोगे विश्वास, एक अलग तरह का बिजनेस है, जिस दिन समझ जाओगे उस दिन बात करेंगे। मिस्टर विश्वास, बिजनेस और दोस्ती एक ही कांटे पे नहीं तोले जाते। ये मत भूलना कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमारी दोस्ती में फर्क नहीं आना चाहिए, वरना मैं सोचूंगी कि तुम मेरी तरक्की से जल गए। मैंने कहा था ना विश्वास, कुछ नदियां घाट छोड़कर बहती हैं। कहा था, आज इसका मतलब तो बता दो। फिर कभी, बाय बाय।